नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्रिस्पी झटपट बनने वाली चिप्स को बनाना सीखेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है, इसे हम महीना भर स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना। सबसे पहले हम एकदम ताजे कच्चे केले ले लेंगे। केले छीलने की सबसे खास बात ये रहेगी, हमें इसकी ऊपरी तह बस उतारना है। छिलके जो हम उतारेंगे बिल्कुल पतले पतले उतारेंगे। और आपको शायद पता हो, कच्चे केले के पाउडर से शुगर की दवाई भी बनाई जाती है। देखिए, इस तरह से हमें सभी केले को तैयार कर लेना है। अभी हमने गैस में कढ़ाई रख दी है, तेल डालकर, तेल अच्छा तेज गर्म हो गया है। अब हम चिप्स बनाना शुरू करेंगे। और जो हमने चिप्स का कटर लिया, एकदम पतला लिया है, बारीक। जितनी बारीक चिप्स बनती है उतनी टेस्टी बनती है, उतनी क्रिस्पी बनती है। और एक बार में जितनी चिप्स आएंगी उतनी चिप्स हम डाल लेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दें। और वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दें। बहुत ही अच्छी वीडियो है, सभी बनाकर चिप्स को देखेंगे। अभी हमने इसमें नमक का पानी डाला। 4 चम्मच में हमने आधी चम्मच नमक ले लिया था। और एक बार में हमें 1 चम्मच के अंदाज में पानी डालना। इससे क्या रहता है, यदि हमें कोई मसाले नहीं डालना है तो चिप्स में अच्छा खारापन आ जाता है, नमक का पूरा टेस्ट मिलता है। चिप्स निकालने के बाद सिर्फ हम काली मिर्चें स्प्रिंकल कर सकते हैं। और यदि हमें मसाला डालना है सभी, तो अभी हम आगे आपको बताएंगे सभी मसालों को हमें कैसे ऐड करना है। देखिए, अच्छी तरह से चिप्स क्रिस्पी हो गई हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसे हमने शुरू में तेज रखा था और बाद में मीडियम आँच करते हुए इसे हमें तलना है। पूरा तेल हम निथाल लेंगे और चिप्स को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। जितनी भी चिप्स रहती है, एक बार के तेल में जितनी चिप्स आ जाए उतनी चिप्स को तलकर तैयार कर लेना। अच्छी तरह से तेल निकालने के बाद फिर बर्तन में हमें इसे ट्रांसफर करना है। अब देखिए, हम आपको बता रहे कितनी कुरकुरी एकदम चिप्स है। इसमें अब हम मसाला ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और ये काली मिर्च पाउडर ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हम नमक तलते समय नमक का पानी डाला था। थोड़ी सी हमें मिर्च कम लग रही थी, थोड़ी सी मिर्च हमने बढ़ा ली। इन मसालों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको शुगर पेशेंट के लिए रोज का नाश्ता दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और हम आप तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते ही हैं। और जितनी आप बारीक चिप्स बनाएंगे, पतली बनाएंगे, उतनी चिप्स टेस्टी बनती है। तो ज़रूर आप इस तरह से चिप्स बनाकर देखें, इसे महीना भर तक स्टोर कर रखें और खूब मन भर कर एंजॉय करें। मेहमान आए उन्हें खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, आप खुद खाएं। और एक बार ज़रूर बनाकर देखें इस तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी केले की चिप्स। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।